गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम संस्कृत में नौवां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कारक ज्ञानम। कारक आपके विभक्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्रिया के साथ प्रयोग में आते हैं, संबंध प्रकट करते हैं। तो देखेंगे क्या है, वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का क्रिया के साथ जो शब्द संबंध प्रकट करते हैं वे कारक कहलाते हैं। इन कारकों को व्यक्त करने वाले शब्द या प्रत्यय कारक चिन्ह कहलाते हैं, जिन्हें कारक विभक्ति भी कहा जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सी विभक्तियां हैं आपके चैप्टर में। कारक पहले तो हेडिंग, फिर विभक्ति और उसके चिन्ह, तीन चीज़ें बताई गई हैं। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति जिसका पहचान होती है ने, कर्म द्वितीया को पहचान होती है, करण तृतीय विभक्ति और से और के द्वारा इसकी पहचान होती है, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति के लिए इसकी पहचान होती है, अपादान पंचमी विभक्ति से अलग होना, जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर पंचमी अर्थात अपादान कारक होता है, संबंध षष्ठी विभक्ति काकी के रारी रे ये पहचान होती है, अधिकरण सप्तमी विभक्ति में पर पहचान होती है, संबोधन अष्टमी विभक्ति इसको मान्यता नहीं दी गई है लेकिन ये इसके पहचान है, हे अरे वो जो आपके आश्चर्यजनक शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम देखेंगे। अब इन निम्नलिखित कारकों को इनके प्रयोग सहित पढ़िए, प्रयोग कैसे किया जाता है देखेंगे। कारक प्रथमा विभक्ति में देखिए, विभक्ति हमने बताइए, कर्ता प्रथमा विभक्ति, बालक एक वचन द्विवचन और बहुवचन में कैसे लगाते हैं, बालकः बालकों और बालकाः, ये आपका प्रथमा विभक्ति में ये रूप बनते हैं। आगे देखते हैं, देखते हैं कर्ता कारक में आपने देखा, अब देखेंगे कर्म कारक में। कर्म कारक में बताया हमने द्वितीय विभक्ति, तो इसकी जो रूप बनेगा बालकम बालकौ बालकान, करण तृतीय विभक्ति बालकेन बालकाभ्याम बालकई है, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, अपादान पंचमी भक्ति बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, संबंध षष्ठी भक्ति बालकस्य बालकयो बालकानाम, अधिकरण सप्तमी भक्ति बालके बालकयो बालकेषु, संबोधन इसकी अष्टमी भक्ति नहीं मानी गई है तो इसको नहीं काउंट करेंगे। तो इसकी क्या है पहचान, लास्ट संबोधन भक्ति में, संबोधन जब हम किसी का करते हैं आश्चर्यसूचक शब्द भी होते हैं और जब हम किसी को संबोधित करते हैं, जैसे हे बालक हे बालको हे बालका। इसी प्रकार आपके अध्यापक नृपः अश्वः मृगः खगः आदि के रूप चलेंगे। नेक्स्ट बालिका के देखेंगे, प्रथमा विभक्ति से सप्तमी अष्टमी सप्तमी विभक्ति तक के रूप कौन कौन से बनेंगे, प्रथमा से संबोधन तक के, बालिका बालिके बालिकाः, बालिकम बालिके बालिकाः, बालिकाया बालिकाभ्याम बालिका भी, बालिकाये बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानाम, बालिकायाम बालिकयोः बालिकाशु। संबोधन में क्या है, हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसी प्रकार जो पहला था आपका पुल्लिंग में था बालक के रूप थे, और दूसरा है आपका बालिका आकारांत स्त्रीलिंग का, आकारांत अर्थात बड़ा की मात्रा इसमें आ रही है तो ये आकारांत है। अब जो आपका नेक्स्ट है नपुंसक लिंग, ये आकारांत है फल शब्द के रूप है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे पढ़ के बताते हैं हम। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। नेक्स्ट पंचमी में है फलात फलाभ्याम फलैः फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानाम, फले फलयोः फलेषु, ठीक है। अब इसी प्रकार इसके पुष्प के कंदुकम के चक्रम और आदि के रूप चलेंगे जैसे हमने फल के बताए हैं। अब आगे देखते हैं राम अकारांत पुल्लिंग में कौन से रूप आएंगे, रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेन रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामो हे रामाः। तो बच्चों आपकी विभक्ति में, विभक्ति पाठ में, इस कारक विभक्ति में आपको रूप बताए गए हैं,
बालक के, बालिका के, फलम, फल के और राम के। ये आपको घर पे रीड करना है, पढ़ना है, समझना है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।